नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्मर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक फर्स्ट टाइमर बछड़ी है जो कि नसीब फार्मर सर के पास है। आज इनके पास आए हुए हम, और ये जो बछड़ी इनके पास सेल के लिए है आज आपको दिखाएंगे। तो नसीब भाई, इसकी डिटेल बताओ इस बछड़ी की। ये भाई अभी अदंत है, कोई दांत नहीं किया है इसने। अच्छा, उन्नी है। और ये जो गाय खड़ी है इसकी बच्ची की बच्ची है ये। ठीक है, तो ये जो है अभी इसकी माँ थी, जो ये फर्स्ट टाइमर के नीचे थी। इसकी माँ फर्स्ट टाइमर में 14 केजी मिल्क था। अच्छा, वो देसी में थी। ठीक ठीक। और ये मैंने देसी अपने क्रॉस करा रखी है, डायरेक्ट क्रॉसिंग है। ठीक ठीक ठीक। तो ये शरीफ है बछड़ी, वैसे शरीफ है, कोई किसी प्रकार की उदाकादी नहीं है। ये देखो वाटर में हाथ फेर के दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, शांत स्वभाव की बछड़ी है बिल्कुल। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो बछड़ी है इसके 6 थन हैं, वो छोटे हैं। बाकी ये 4 थन बराबर हैं, बाकी वो छोटे हैं, वो शायद उनमें से दूध नहीं आएगा, काफी छोटे थन है वो। ठीक ठीक। ये थनो देखो, काफी शानदार थन लगे निकालेगी, और बिल्कुल शरीफ है। अभी इसका ब्याने का करीबन 1 महीना पड़ा है, तो वैसे शरीफ है, बिल्कुल अदंत है, उन्नी भी आएगी ये। ठीक। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, और काफी अच्छी बछड़ी है, फर्स्ट टाइमर है, और फर्स्ट लैक्टेशन में भाई साहब बता रहे 10 से 12 लीटर इसकी दूध क्षमता रहेगी, और क्रॉस में बछड़ी है, शरीफ है वैसे। ये देखिए, शांत स्वभाव की बछड़ी है बिल्कुल, और अभी 8 महीने के प्रेग्नेंट है। हाँ, अभी 1 महीना ब्याने का बचता है ये, मान लो 1 तारीख से 1 महीना जो है ना ब्याने का बचता है इसका। ठीक ठीक। और काफी शांत स्वभाव की बछड़ी है, ये देख सकते हैं ऑर्डर क्वालिटी आप, और आने वाले समय में काफी अच्छा ऑर्डर बनाएगी। चारों थन जो देख सकते हैं आप काफी दूरी पर है, और वैसे 6 थन है बछड़ी को, 2 काफी छोटे थन है, और शांत स्वभाव की है, छोटे सींग है। बिल्कुल थनों में साथ फेर के दिखा दिया भाई, बिल्कुल शांत स्वभाव की ही है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये देखिए, इसकी ऑर्डर क्वालिटी काफी शानदार ऑर्डर क्वालिटी के साथ है, और आने वाले समय में काफी अच्छा ऑर्डर बनाएगी। अभी 1 महीना इसका रहता है ब्याने में। ये देखो, ये ये देख सकते हैं आप, ये देखो, ये छोटे थन हैं, ये 4 बराबर के हैं, ये देख सकते हो, ये छोटे हैं, ये 4 बराबर हैं। अडर क्वालिटी काफी शानदार बनाएगी, और दूध क्षमता भी काफी अच्छी रहेगी, क्रॉस ब्रीड में गाय है। बछड़ी अभी अदंत है, कोई दांत नहीं है, और इसकी कीमत क्या डिमांड कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब इसकी कीमत योगेश भाई 35,000 रुपए है। ठीक है। और ये अपनी माँ की तरह शरीफ ही है, कोई ऐसी वो एक्टिविटी नहीं है जो मतलब इसका लात मारने का टक्कर मारने कोई स्वभाव नहीं है इसमें, ऐसी एक्टिविटी नहीं है। ये देख सकते हैं, जैसे इसके ऊपर हाथ रख रहे तो पूछ उठा करके जो आप भी हाथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी ऑर्डर में हाथ लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, काफी शांत स्वभाव की। आप तो नए हो, आप ये देख सकते हैं लगा के दिखाओ, अभी काफी अच्छी बछड़ी आने वाले समय में तैयार होगी, और ब्याने में भी इसका 1 महीना रहता है। ये सामने इसकी नानी, जो नानी है ये इसकी, और काफी अच्छा इनको भाई साहब का घर का खरना है ये, काफी अच्छी इसकी नानी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक कलर में है, और काफी अच्छी है ये भी। तो ब्रीडिंग के हिसाब से काफी अच्छी ब्रीड है, घर की तैयार कर रखी भाई साहब ने, क्रॉस ब्रीड, जो इसकी माँ है, इसकी नानी है, ये भी क्रॉस ब्रीड में है, और दूध क्षमता काफी अच्छी रहती है ऐसी गायों की। तो जो भाई लेना चाहता हो इनसे संपर्क कर सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, और वीडियो के अंदर भी चीज और है, जो इसकी नानी के फैट है वो 85 फैट आते हैं, 85-90। अच्छा जी, काफी अच्छा घी है। ठीक ठीक। ये भी चीज है, इसकी नानी जो है भाई, इसकी नानी कितनी बार ब्याली भाई? ये इसकी नानी योगेश भाई 11-12 बार जो है वो ब्याली। अच्छा जी, ये देख सकते हैं इसकी नानी है ये, और हम्प साइज इसमें देख सकते हैं, क्रॉस ब्रीड में है ये, और ये काफी अच्छी इसकी दूध क्षमता, ये देख सकते हैं, दोहरा मुठिया थन लगे हुए इसके भी, ये देख सकते हैं दोहरा मुठिया थन है, और अडर क्वालिटी अभी भी काफी शानदार है। कितने बार ब्याली भाई ये? 12 बार ब्या चुकी है ये, और अडर क्वालिटी आज भी किसी सेकेंड या थर्ड टाइमर जैसी इसकी अडर क्वालिटी है, जो इसीलिए अडर के साथ है। शरीर वीडियो में आपको इतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सामने से देखोगे काफी भारी भरकम गाय है, ये देख सकते हैं, क्रॉस ब्रीड, और दूध क्षमता काफी शानदार भाई साहब बता रहे हैं इनकी, और ये भी आने वाले समय काफी अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाएगी। तो जो भी भाई लेने का इच्छुक है संपर्क कर सकता है, एक बार अपना एड्रेस और बता दो भाई जी। भाई वीपीओ बेरी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। फोन नंबर और बता दो। 98-127-8-77। तो जो भी भाई लेना चाहता हो इनसे संपर्क कर सकता है, काफी अच्छी क्रॉस ब्रीड में बछड़ी है,
और आने वाले समय में काफी अच्छी अच्छी और बछड़ी और गाय आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी है एक अपने साथ साथ में, ये देख सकते हो आप, और भी भाई अपने पशु दिखा रहे हैं जो इनके पास मुर्रा में भी इनके पास एक कटड़ा है। ये कटड़ा है, इसको भी आने वाले टाइम में सेल करेंगे। ये देखो टेस्टिकल, देखो काफी शानदार है कटड़े के। ये देखो टेस्टिकल पे आधारित होता है बुला मिसा, और पूछ थोड़ी ही सफेद है, एक ही इंच जो है सफेद, देख सकते हैं पूछ मात्र एक इंच सफेद है, और टेस्टिकल आप देख सकते हैं काफी शानदार टेस्टिकल है। कितने उम्र हो गई भाई इसकी? इसकी भाई साहब अभी एक साल होने में कुछ एक दिन बचे हैं। ये देखो पीठ पुट्ठे की चौड़ाई देख सकते, काफी अच्छा आप देख सकते हैं पुट्ठे की चौड़ाई जो है काफी शानदार है, किसी प्रकार की कोई कमी कटड़े में नहीं है। आप देख सकते हैं काफी लंबी हाइट के साथ है कटड़ा, ये देख सकते हैं आने वाले समय में भी काफी अच्छा बुल तैयार होगा। और दिखा दो भाई साहब केस, फेस काफी शानदार है, छोटे मुंह का पड़ेगा, ये देख सकते हैं छोटे मुंह के साथ है और काफी शांत स्वभाव का है। ये भी सेल के लिए उपलब्ध करवा रहे हो भाई? हाँ ये भी सेल के लिए है भाई, ये भी सेल के लिए उपलब्ध करवा रहे। तो कोई अगर जेन्युइन बायर है तो इनसे संपर्क कर सकता है। ये देख सकते हैं काफी अच्छी हाइट लेंथ है कटड़े की अभी से, और आने वाले समय काफी अच्छी हाइट, और जो इसकी माँ है वो उसका 25 केजी का जो है रिकॉर्ड है। ये इसकी माँ है, भाई के पास ही है ये। एक मिनट योगेश भाई थोड़ा सा आपसे डरेगी, थोड़ा सा ऊपर की साइड जाके इसकी अदर क्वालिटी कवर करके दिखाओ। ये देख सकते हैं काफी अच्छी अदर क्वालिटी के साथ है जोटी, और इसकी मिल्किंग मैंने आज सुबह की और कल शाम की मिल्किंग भी करी है, तो उसमें भी काफी अच्छा इसके दूध क्षमता हमने देखी है। और अभी दूसरी बार भी आई ना भाई? हाँ दूसरी बार है, अभी दूसरी बार भी आई है, अभी छठे दांत कर रही है, छह दांत अभी कर रही है, और सींग इसके ऊपर की जो या खोली है, खोली होती है वो उतरवाई है, उतरवा चुकी है किसी, आज से 10-15 दिन हो गए जब उतरवाई है इसने, किसी पेड़ में उलझ गए वो। हाँ ये सामने ये जो एक पेड़ है, ठीक वहाँ इसने उलझवा के और ये खोली इसने उतरवा ली भाई। तो काफी अच्छी मुर्रा का पशुधन भाई साहब ने अपने घर पर रखा हुआ है, और आने वाले समय में काफी अच्छी अच्छी मुर्रा बफेलो और देसी गाय इनके घर पर हमें देखने को मिलेगी, और काफी अच्छा काम कर रहे भाई साहब, इनका चैनल भी काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, काफी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं बायर्स के लिए। तो जो भी भाई चैनल पर इनके भी नए आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो अपने चैनल पर है वो भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाकर के नसी फार्मर भाई को चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये अभी दूसरी बार भी आई है इसने, अभी ये मुर्रा की जो निकाफ देख सकते हैं, ये बीमार हो गई थी, ये किसी ठंड लग गई थी इसको, देखी होगी मेरे चैनल पे जिस भाई ने देखी, काफी जबरदस्त थी कटड़ी, ये इसके ठंड लग गई थी, ये जब से इसकी सेटिंग नहीं आ रही है, कभी इसका दस्त लग गया है, कभी फिर से बीमार हो गया है, ठीक ये सेटिंग नहीं आ रही है अभी इसकी। तो ये देख सकते हैं काफी अच्छी ये भी कटड़ी भाई साहब तैयार कर रहे, किसी कारणवश ये अभी ठंड लग गई थी उस वजह से बीमार हो गई थी ये, अपने इस वजह थोड़ी वीक लग रही है, नहीं तो दूध काफी भाई साहब पिलाते हैं इसको, और काफी अच्छी परवरिश कर रहे हैं इसकी। तो जो भी भाई फर्स्ट टाइमर बछड़ी और मुर्रा जो इनके पास बुल है वो अगर कोई लेना चाहता हो इनसे संपर्क कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर इनका स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।